तर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरु इन्फो। तो दोस्तों मोटोरोला ने भी अपनी नई टीवी सीरीज लॉन्च कर दी है इंडिया में। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो काफी ज्यादा टीवीज लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, यानी कि चार दिन में पिछले चार अलग अलग ब्रांड ने चार टीवी सीरीज अपनी लॉन्च की है, तो मोटोरोला कैसे पीछे रह सकता था। और जो मोटोरोला ने टीवी लॉन्च किया है ना दोस्तों, उसके फीचर्स की बराबरी कोई भी अदर ब्रांड का टीवी नहीं कर सकता है। इतने तगड़े फीचर्स इन्होंने इनके टीवीज में दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में इस टीवी के बारे में सब कुछ हम जानने वाले हैं, क्या कुछ इसमें फीचर्स आते हैं और क्या कुछ ये टीवी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको बताने वाला हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इन टीवी में आपको दो सीरीज देखने को मिल जाती है, एक है दोस्तों ZX2 सीरीज और दूसरी है दोस्तों रिवो सीरीज। तो रिवो सीरीज में आपको 4K टीवीज देखने को मिलती है दोस्तों 43 इंचेस और 55 इंचेस में, और जो दोस्तों ZX2 सीरीज है उसमें आपको HD रेडी और फुल HD टीवी मिलती है जो कि आते हैं 32 इंचेस और 40 इंचेस के साथ में। तो इसमें से दोस्तों मुझे जो है वो ZX सीरीज ज्यादा पसंद आई है, ZX2 सीरीज। इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं दोस्तों और जो प्राइसिंग पे मिलते हैं वो कमाल है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं इन टीवी के सभी फीचर्स। तो डिजाइन की अगर बात करें दोस्तों, जो ZX2 सीरीज है इसकी डिजाइन नॉर्मल आपको देखने को मिल जाती है, प्लास्टिक का स्टैंड इसके साथ में आने वाला है, और जो बेजल से दोस्तों वो 4K टीवी से थोड़े इसके बड़े आपको देखने को मिलते हैं। और जो 4K सीरीज है दोस्तों उसमें आपको इनबिल्ट साउंड बार मिलता है, काफी प्रीमियम उसकी डिजाइन मिलती है, और जो बेजल से दोस्तों उस टीवी में वो ना के बराबर आपको देखने को मिल जाती है। पैनल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो फिलहाल कंपनी ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि इस टीवी में आपको कौन सा पैनल देखने को मिलने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों इन सभी टीवीज में आपको IPS पैनल देखने को मिल जाएगा। वीडियो फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इन सभी टीवीज में आपको डॉल्बी विजन और साथ ही साथ में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों इन टीवी के फीचर्स का, कि आपको 32 इंचेस में और 40 इंचेस में भी डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट मिल रहा है विदाउट 4K टीवी में भी। साथ ही वीडियो के अदर फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इन सभी टीवीज में आपको 91% का कलर गैमेट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में माइक्रो डिमिंग की टेक्नोलॉजी भी यहां आपको मिलती है, और उसी के साथ साथ दोस्तों इन सभी टीवीज में आपको पिक्चर इंजन भी मिलता है, जिससे कि आपका जो कलर प्रोडक्शन होने वाला है वो काफी कमाल का होने वाला है। मतलब कि 32 इंचेस और 40 इंचेस में भी आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या कमाल की ये टीवीज होने वाली है। टीवी के एक और मेन फीचर्स पर, यानी कि साउंड क्वालिटी की तरफ, तो दोस्तों जो 32 इंचेस और 40 इंचेस के टीवी है इसमें आपको साउंड जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है 40 वैट का साउंड। जी हाँ दोस्तों, 40 वैट का साउंड, इसे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साउंड आपको मिलने वाला है और क्या ज्यादा आपका बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। 4K टीवी की साउंड की अगर बात करें दोस्तों, तो 43 इंचेस में आपको 24 वैट के साउंड और 55 इंचेस में आपको 50 वैट के साउंड बार देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनबिल्ट आते हैं नीचे से। और दोस्तों इन सभी के सभी टीवीज में जो है वो डॉल्बी एटमॉस और साथ ही साथ DTS साउंड सराउंड को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ये भी एक और तगड़ा फीचर्स होगा दोस्तों इन टीवीज में। बात करें टीवी के प्रोसेसर की, तो यहाँ भी मोटोरोला पीछे नहीं रहा है दोस्तों। इन सभी टीवीज में आपको MediaTek का 1.5 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही अगर GPU की अगर बात करें तो वो भी G52 वाला GPU आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ भी जो 30% से है दोस्तों प्रोसेसर इन्होंने बढ़ा दिया है, मतलब कि आज तक हम कौन से भी ब्रांड की टीवी देखे दोस्तों तो उसमें हमें 1.2 GHz का CPU देखने को मिलता है, लेकिन इन सभी टीवी में हमें 1.5 GHz का CPU देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें स्टोरेज और रैम की दोस्तों, तो 32 इंचेस और 40 इंचेस में आपको 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वही अगर बात करें 4K वेरिएंट की दोस्तों, तो उनमें सभी में हमें 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और साथ ही साथ में जो 4K टीवी है दोस्तों वो क्लाउड गेमिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि आप इस पे डायरेक्ट क्लाउड से गेमिंग भी कर सकते हो। और दोस्तों 32 इंच का जो टीवी है दोस्तों उसमें 2GB की रैम, मतलब टीवी मक्खन चलने वाला है, कोई भी इसमें आपको लैगिंग का इशू नहीं देखने को मिलेगा। अदर ब्रांड जो है दोस्तों वो 1GB के रैम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मोटोरोला ने इस बार 2GB के रैम हमें प्रोवाइड की है। आते हैं टीवी के सॉफ्टवेयर की तरफ, तो सॉफ्टवेयर के मामले में भी दोस्तों टीवी कम नहीं है। इन सभी टीवी जो है दोस्तों वो एंड्रॉइड 10 पर चलते हैं, और इसी के साथ ये जो मोटोरोला ब्रांड है दोस्तों ये वर्ल्ड फर्स्ट टीवी ब्रांड बन जाता है जो कि एंड्रॉइड 10 के टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और एंड्रॉइड 10 जो है दोस्तों वो पिछले एंड्रॉइड से ज्यादा फास्टर और ज्यादा सिक्योर होने वाला है।
पोर्ट्स और नेटवर्क्स की अगर बात करें दोस्तों, तो 32 इंचेस और 40 इंचेस में आपको दो HDMI पोर्ट्स और दो USB पोर्ट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग 3.5mm का ऑडियो जैक। और 4K वेरिएंट है दोस्तों, उसमें आपको तीन HDMI पोर्ट्स और दो USB पोर्ट्स मिलते हैं, और इसमें भी ऑडियो जैक आपको दिया है, यहाँ भी ऑडियो जैक मिसिंग नहीं है दोस्तों। नेटवर्क्स की अगर बात करें तो ये सभी ब्लूटूथ 5.1 को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ में जो वाईफाई है दोस्तों, सभी टीवीज में आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। मतलब कि जो आपका OTT एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों, वो जरा सा भी रुकने वाला नहीं है, काफी कंटिन्यूअसली ये चलने वाला है। तो फीचर्स तो आप सभी ने देख लिया दोस्तों, फीचर्स काफी कमाल के मिलते हैं। अब आते हैं टीवी के प्राइसिंग की तरफ। तो दोस्तों जो 32 इंचेस का टीवी है जो कि आता है HD रेडी के साथ, उसकी प्राइसिंग आती है 14,000 रुपए। जो फुल HD वाला टीवी है 40 इंचेस का दोस्तों, उसकी प्राइसिंग आती है 20,000 रुपए। और जो 43 इंचेस का 4K टीवी है दोस्तों, उसकी प्राइसिंग जरा ज्यादा मुझे लगी है, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग आती है वो लगभग से 40,000 रुपए निकल के आई है। और जो 55 इंचेस का टीवी है दोस्तों, उसकी जो प्राइसिंग है वो निकल के आई है 50,000 की। तो ये दोनों टीवीज की मुझे प्राइसिंग ज्यादा लगी है, क्योंकि इन प्राइसिंग में अदर ब्रांड के फीचर्स हमें मिल जाते हैं, सेम टू सेम फीचर्स हमें अदर ब्रांड के टीवी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो ZX2 जो सीरीज है दोस्तों, ये प्राइसिंग में ये फीचर्स कोई भी ब्रांड अब तक हमें प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर आपको टीवी लेना है 32 इंचेस का या 40 इंचेस का, तो आप इन दोनों टीवीज के तरफ आंख बंद कर करके बेशक से जा सकते हो दोस्तों, काफी कमाल के फीचर्स के साथ ये आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर इन टीवी का कंपैरिजन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इसी के लिए आप जरूर से चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करके रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।